दोस्तों, वेलकम टू प्रिंस मूवी एक्सप्लेनेशंस। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो लड़का भी होता है और लड़की भी। वो खुद का ही पिता होता है और खुद की ही माँ। खुद ही खुद से प्यार करता है और खुद को ही प्रेग्नेंट करके खुद ही पैदा होता है। ये एक दिमाग घुमा देने वाली टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड मूवी है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा वरना ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। ये मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर्स हैं माइकल स्पेरिग और पीटर स्पेरिग। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 7.5 out of 10। मूवी शुरू होती है जॉन को दिखाते हुए। जॉन एक टाइम ट्रेवलर है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। जॉन को ईयर 1992 से 1970 में भेजा गया है। असल में इस साल एक बड़े ब्लास्ट में काफ़ी लोग मारे गए थे और जॉन को इसी ब्लास्ट को रोकने के लिए पास्ट में भेजा गया होता है। जॉन जहाँ पर बॉम्ब प्लांटेड होता है वहाँ पहुँच जाता है और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में लग जाता है। जब वो बॉम्ब डिफ्यूज़ कर रहा होता है तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। ये वही आदमी होता है जिसने बॉम्ब लगाया है और इसे सब फिजल बॉम्बर के नाम से जानते हैं। जॉन को एहसास होता है कि उस जगह पर उसके अलावा भी कोई और है। वो भी अलर्ट हो जाता है, तभी वो आदमी जॉन पर गोली चला देता है। जॉन भी उस पर गोलियां चलाने लगता है। इन दोनों की झड़प के बीच बॉम्ब के फटने का समय हो जाता है और बॉम्ब फट जाता है, जिसमें जॉन का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। वो जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। इसी बीच एक तीसरा आदमी आता है जो जॉन को उसकी टाइम मशीन दे देता है, जिसकी मदद से जॉन 1992 में वापस आ जाता है जहां उसका इलाज होता है और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एक नया चेहरा दे दिया जाता है। जब जॉन ठीक हो जाता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाले उसे एक और मिशन पर भेजते हैं। ये जॉन का लास्ट मिशन होता है। जॉन एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करता है और 1970 में आके एक बार में बार कीप का काम करने लगता है। बार कीप बार के कीपर को कहा जाता है जो किसी बार को संभालता है और उसमें ड्रिंक्स वगैरह सर्व करता है। कुछ समय बाद उसी बार में जॉन की मुलाकात 1970 के जॉन से होती है जो उसी का जवान रूप है। यहाँ चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदल जाने के कारण 1970 का जॉन 1992 के जॉन को नहीं पहचान पाता, पर 1992 का जॉन जो कि यहाँ बार कीप है वो 1970 के जॉन को पहचान लेता है। बातों बातों में 1970 का जॉन बारकीप को, जो कि 1992 का जॉन है, उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। जॉन बताता है कि उसका जन्म लड़का नहीं बल्कि एक लड़की के रूप में 1945 में हुआ था, जिसे उसके माता पिता ने एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया था। ऑर्फनेज वालों ने उसका नाम जेन रख दिया और वह ऑर्फनेज में ही रहते हुए बड़ी हुई और कोई उसे अडॉप्ट करने नहीं आया। जेन को छोटे पर से ही लगता था कि उसमें ऑर्फनेज की बाकी लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा ताकत है। खैर, जब जेन बड़ी हुई तो उसने स्पेस कॉर्प्स नाम की कंपनी में जॉब हासिल कर ली, मगर उसे वहाँ से कुछ ही समय में निकाल दिया गया क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट में कोई प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम ये थी कि उसके शरीर में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स मौजूद थे, लेकिन फीमेल ऑर्गन्स के ज़्यादा डेवलप होने के कारण वो एक लड़की जैसी दिखती थी। लेकिन कंपनी वाले उसे निकालने के लिए एक छूटी वजह बताते हैं कि उसने कंपनी की एक एम्प्लॉय पर हाथ उठाया, इसलिए उसे निकाला जा रहा है। जेन को उस कंपनी से निकाले जाने का बहुत दुख था, पर वह इस दुख से जल्द ही उबरते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाती है। और एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिससे कुछ ही समय में उसे प्यार हो जाता है और वो दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ सेक्स भी कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद वो लड़का जेन को बिना कुछ बताए अचानक से छोड़कर चला जाता है। जेन उसके जाने के कारण काफ़ी दुखी रहने लगती है। इसी बीच जेन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और कुछ ही समय में वो एक बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके शरीर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होने के कारण उसका बच्चा होने में कई दिक्कतें आई थीं और इसी वजह से उन लोगों ने उसके फीमेल ऑर्गन्स को निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि जेन के अंदर अब सिर्फ मेल ऑर्गन्स ही बचे थे और अब वो एक मेल बन गई थी। हॉस्पिटल में जेन को जो बच्चा हुआ था उसे कोई चुरा ले जाता है और जेन ये जानकर बहुत रोती है। धीरे धीरे जेन खुद को नॉर्मल करके एक मेल की तरह रहना शुरू कर देती है और अपना नाम बदलकर जॉन रख लेती है। और यही जॉन
बारकीप को अपनी कहानी सुना रहा होता है। जॉन को लगता है कि बारकीप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत अजीब कहानी होती है। पर बारकीप जो कि खुद जॉन ही था 1992 का, वो ये सब बातें पहले से ही जानता था क्योंकि ये कहानी उसकी ही जिंदगी की कहानी होती है। 1992 का जॉन जो बारकीप है वो 1970 के जॉन से कहता है कि वो उसे उसी लड़के से मिला सकता है जो उसको यानी 1970 के जॉन को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़कर कहीं चला गया था। वो दोनों बारकीप की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और बारकीप 1970 के जॉन को उसी ईयर उसी समय में ले जाता है जब जॉन जेन होती है और उसे वो लड़का जब पहली बार मिलता है। जॉन गन लेकर उस लड़के को मारने के इरादे से उस जगह जाता है और उसका वहीं इंतज़ार करता है। वो उस लड़के को मारकर उससे जेन की ज़िंदगी बर्बाद करने का बदला लेना चाहता था। वहीं उसकी मुलाकात जेन से होती है और जेन को देखते ही उसे जेन से प्यार हो जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो ही वो लड़का है जिसे वो ढूंढने आया था और जिसने जेन को प्रेग्नेंट करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मतलब कि वो अपना दोषी खुद ही था और उसने खुद ही कि पास्ट के फीमेल रूप के साथ सेक्स किया था। इसी बीच बारकीप वहाँ से चला जाता है और टाइम ट्रेवल करके 1970 में आ जाता है जहाँ वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने चला जाता है। शुरुआत में इसी सीन को हम सब ने मूवी में देखा था। बारकीप जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा बॉम्ब लगा रहा होता है और ये वही फिजल बॉम्बर होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। बारकीप और फिजल बॉम्बर के बीच लड़ाई होती है जिसमें फिजल बॉम्बर बारकीप को मारकर बेहोश कर देता है। जब बारकीप को होश आता है तो देखता है कि उसके सामने एक आदमी पड़ा होता है जिसका चेहरा जल रहा होता है और ये वही जॉन था जिसे हमने शुरुआत में देखा था जो 1992 से 1970 में बॉम्ब को डिफ्यूज करने आया था और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जिसका चेहरा जल गया था। बारकीप जॉन की तरफ उसका टाइम मशीन बढ़ाकर उसकी मदद करता है जिससे जॉन 1992 में वापस लौट जाता है और इसी बीच फिजल बॉम्बर भी वहां से मौका देखकर निकल लेता है। बारकीप अब यहां से उस समय में जाता है जब जेन ने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था। वो उस बच्ची को वहां से चुरा कर टाइम मशीन से उसे 1945 में ले जाता है और एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देता है और ये बच्ची वही जेन थी जो ऑर्फनेज में रहकर बड़ी हुई थी और आगे जाकर जो जॉन बनती है। बारकीप अब यहाँ से उस समय में जाता है जब 1970 का जॉन और जेन रिलेशनशिप में होते हैं। यहाँ बारकीप जॉन से मिलता है और उससे वहाँ से चलने को कहता है। जॉन जेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता पर बारकीप उसे समझाता है कि जेन तो उसी के पास का रूप है और वो उसे अपने बारे में भी बताता है कि वो उसका फ्यूचर का रूप है, जिसे जानकर जॉन हैरान रह जाता है क्योंकि उसका जो पास्ट का रूप होता है वो एक लड़की होती है और जो फ्यूचर का रूप होता है उसका और जॉन का फेस मैच ही नहीं करता। और ना चाहते हुए भी 1970 का जॉन जेन को छोड़कर बारकीप के साथ टाइम मशीन से 1985 में आ जाता है। बारकीप वहां जॉन को छोड़कर चला जाता है और साथ ही साथ एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ जाता है जो जॉन को आगे क्या करना है वो जानने में मदद करेगी। उसके बाद बारकीप वापस ईयर 1974 में चला जाता है और अपने काम से रिटायरमेंट ले लेता है। बारकीप 1975 में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट से एक साल पहले के समय में पहुंचता है। उधर जब 1970 के जॉन को जो अब 1985 में था उसे होश आ जाता है तो जो बारकीप उसके पास रिकॉर्डिंग छोड़ कर गया था उसे सुनता है और उसको फॉलो करते हुए वो उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है जिसमें पहले वाला जॉन काम करता था। और फिर 7 साल बाद यही जॉन 1992 में टाइम ट्रेवल करके 1970 में जाता है और बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है जो मूवी में दिखाया शुरू का सीन होता है। इधर दिखाया जाता है कि ईयर 1975 में जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था वो अब तक नहीं हुआ था। बारकीप जो अपने काम से रिटायर हो चुका होता है वो टाइम मशीन को डीकमीशन करने की कोशिश करता है जो कि नहीं होता और टाइम मशीन में एरर दिखाने लग जाता है।
बारकीप के पास जो कुछ पेपर्स होते हैं उसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने उसके लिए कुछ हिंट्स छोड़े हुए होते हैं जिससे वह फिजल बॉम्बर को अब भी पकड़ सकता था। उन्हीं हिंट्स का इस्तेमाल करके बारकीप वहां पहुंच जाता है जहां पे फिजल बॉम्बर होता है, और जब वो फिजल बॉम्बर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी का फ्यूचर वाला रूप होता है। फिजल बॉम्बर की मेंटल हालत ठीक नहीं थी और ये उसके बार बार टाइम ट्रेवल करने के कारण हुआ था। यहाँ फिजल बॉम्बर बारकीप से पूछता है कि क्या उसने टाइम मशीन को डीकमीशन यानी बंद ना कर पाने के बारे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया, जो कि बारकीप ने नहीं किया होता और जो इलीगल भी होता है। एट लास्ट में बारकीप फिजल बॉम्बर को गोली मारकर मार डालता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आखिरी सीन को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि बारकीप की टाइम मशीन डीकमीशन ना होने के कारण वो आगे भी टाइम ट्रेवल करता रहेगा और बाद में फिजल बॉम्बर बनकर वापस लौटेगा। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जॉन, जेन, फिजल बॉम्बर, जेन का लवर, बारकीप सब एक ही इंसान है, बस अलग अलग वक्त से। ये पूरी मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर बेस्ड है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स एक ऐसा क्लोज्ड टाइम लूप होता है जिसमें न तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट। इसमें होने वाला हर इवेंट नेक्स्ट इवेंट को डिसाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको मूवी समझ में आई। जिनको मूवी का कोई पार्ट ना समझ आया हो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। थैंक यू।